जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? आप क्या खैरियत से ठीक ठाक है? उम्मीद है कि सातवां रोजा बहुत अच्छा गुजरा होगा आप तमाम अफराद का। जैसे कि आपको मालूम है, मार्केटिंग सोसाइटी नेटवर्क बिलजुल शहीद यूनिवर्सिटी की जानब से मुदस्सिर हुसैन हाजिर खिदमत है। हमने कोशिश की है कि ड्यूरिंग कोविड-19 के दरमियान में ऐसे मैक्सिमम प्रोग्राम अरेंज किए जा सके जहाँ पे हम बहुत सारे गेस्ट स्पीकर को बुला के डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट मौजूदात पे गुफ्तगू करें और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी लेटेस्ट टॉपिक्स चल रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, उनको आपके सामने डिस्क्लोज। बिफोर रमजान हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत सारे शोज किए हैं। इवन इसके अंदर मोटिवेशनल स्पीकर जुनेद अकरम के साथ भी एक शो किया था। आज का जो हमारा मौजूद है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले 4 दिन से हम मुसलसल स्टूडेंट सोसाइटी पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप तमाम नाजरीन के इल्म में है कि बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के अंदर 8 डिफरेंट सोसाइटीज हैं जो कि काम कर रही हैं। उसके अंदर आर्ट एंड लिटरेचर सोसाइटी होती है, ड्रामा सोसाइटी होती है, डिबेट सोसाइटी होती है, कम्युनिटी सर्विसेज सोसाइटी होती है, मार्केटिंग सोसाइटी नेटवर्क है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है, और इवन अब हमने एक और प्लान किया कि हम अपनी अलमनाई नेटवर्क की भी एक सोसाइटी बनाएंगे और अलमनाई एक प्लेटफॉर्म पे लेंगे। आज हमारा जो एक मकसद है वो अब सोसाइटी से आगे निकल के जो स्टूडेंट यूनियन का एक कंसेप्ट मौजूद है, जो कि स्टूडेंट यूनियन पूरी दुनिया की तमाम जामियात के अंदर पाई जाती है और इवन वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जितने भी कम्युनिटीज वहां पे होती है। अगर मैं लंदन की बात करूँ तो लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज वहां पे होती है, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, वो भी अपने पास स्टूडेंट लीडर रखती है और वो स्टूडेंट लीडर पूरी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी को उस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, कैम्ब्रिज के अंदर, ऑक्सफोर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट यूनियन की जो अहमियत है, इससे कभी किसी को इनकार नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में भी बहुत सारी जद्दोजहद के अंदर भी इन स्टूडेंट यूनियन ने बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा किया। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हमेशा से हिस्सा होती है और ये स्टूडेंट यूनियन जो होती है वो हमेशा से एक बेहतरीन किरदार करती है और जितने भी तालिबे इल्म होते हैं उनके मफादात की हमेशा निगहदाश्त करती है और इदारे की तरक्की और तरवीज में बेतहाशा काम करती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी स्टूडेंट यूनियन अपनी आबोताब के साथ 60, 70 और 80 की दिहाई तक थी, लेकिन 80 की दिहाई के अंदर बाकायदा तौर पे स्टूडेंट यूनियन के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी। वो दौर है और आज का दौर है, तकरीबन इस बात को हुए 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट यूनियन के हवाले से कई दफा उस पर आवाजें बुलंद की गई, लेकिन ये स्टूडेंट यूनियन बहाल ना हो सके। आज शरीके गुफ्तगू जो रहेंगे उनमें मैं आपको तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे जिस मौके पे काफी सादा दस्तरस रखते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, उस वक्त इनकी जिम्मेदारी स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर की है, बिरजी भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी। दूसरे हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत अच्छे कलीग, हमारे दोस्त, हमारे साथ की तरह है डॉक्टर असगर दश्ती, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की वाहिद जामिया है जो कि उर्दू के तबान उर्दू के अंदर तरवीज करती है, तदरीसी अमल को रखती है। उसके एक बहुत ही रोशन उस्ताद की हैसियत से डॉक्टर असगर दश्ती वहाँ पे हैं। डॉक्टर असगर दश्ती ने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर काफी दस्तरस रखी है। इनका पीएचडी भी आईआर के अंदर है और आईआर डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहे हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर साहब वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। इसके साथ साथ हमारे साथ एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट मौजूद है एहसन नियाज, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक सोसाइटी कम्युनिटी सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ तरीके से जरूर रहेंगे। धन्यवाद थैंक चले जी, गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि क्या आप समझते हैं कि स्टूडेंट यूनियन की वाकई में जामियात को जरूरत है और ये स्टूडेंट यूनियन असल में होती क्या है? जी, सवाल मुझसे है। जी, डॉक्टर साहब आपसे सवाल था, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। मेरा सवाल जी ये था जी कि स्टूडेंट यूनियन की जरूरत जामियात को असल में मौजूद है, अगर है तो मैं, और स्टूडेंट यूनियन असल में क्या किरदार अदा करती है जामियात? जी देखिए, जब भी हम तलबा यूनियन की बात करते हैं, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की बात करते हैं या कैंपस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कुछ इस तरह के आर्गुमेंट्स हमारे सामने आते हैं कि जनाब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का काम तो महज तालीम देना है या स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और बहुत से लोग तो तलबा सियासत को तशद्दुद से जोड़कर तलबा यूनियन की ही नफी में
तावीले पेश करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है और किसी भी मुहज्जब जमहूरी माशरे में स्टूडेंट्स यूनियन के बगैर उसका तस्वुर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स यूनियन होती है वो डेमोक्रेसी की नर्सरी होती है, वो जमहूरियत की नर्सरी होती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स यूनियन, तलबा यूनियन पाकिस्तान के तालीमी, तदरीसी, जमहूरी और सियासी निजाम के लिए इंतहाई जरूरी है। आप देख लीजिएगा कि अगर तलबा यूनियन बहाल हो जाए, तलबा यूनियन बहाल हो जाती है तो तलबा यूनियन आइंदा आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को और पाकिस्तान के सियासी कल्चर को तब्दील करके रख देगी। और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स या स्टूडेंट्स यूनियन खुद इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी इदारे में आप इस बात का तस्वुर कैसे कर सकते हैं कि किसी भी तालीबी इदारे में स्टूडेंट्स जो के स्टेक होल्डर होता है उसकी मुअस्सर नुमाइंदगी कहीं पर भी नहीं है, किसी भी फोरम पर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अपने मसाइल के लिए किस तरह से आवाज बुलंद करें? देखिए, किसी भी तालीमी इदारे में स्टूडेंट्स के, चाहे वो फीसों के मसाइल हों, रिहायशी हॉस्टल्स के मसाइल हों, स्कॉलरशिप्स या दीगर मसाइल हों, तो तलबा की आवाज उन फोरम्स पर होनी चाहिए। तलबा यूनियन के वक्त में स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी यूनिवर्सिटी की सेनेट में और यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में हुआ करती थी, जहां पर तलबा यूनियन के नुमाइंदे बहसियत एक कम्युनिटी के मौसर तौर पर अपनी नुमाइंदगी करते थे और बहसियत एक कम्युनिटी अपने मफादात के तहफ्फुज और अपने मसाइल के हल के लिए बेहतर नुमाइंदगी करते थे। लेकिन 84 में जब से पाकिस्तान में तलबा यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई है, स्टूडेंट्स की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तालीमी इदारों में, चाहे वो कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज हो, वहां पर बहसियत स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स के मसाइल को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि यह कहना चाहिए कि तलबा अपनी आवाज उस तरह से पहुंचा भी नहीं पा रहे। तो मैं ये वाजह तौर पर समझता हूं कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स और तलबा यूनियन एजुकेशनल लाइफ का एक मजबूत और प्रोडक्टिव पार्ट है और उसे बिल्कुल बहाल होना चाहिए और ये रहनी चाहिए। सही। अच्छा जी, शकूर साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि जैसे जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि सिंस 1984 तलबा यूनियन के ऊपर, स्टूडेंट यूनियन के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई, तो थोड़ा सा आप अगर माफी से हमें स्टूडेंट यूनियन के कारनामे समझा सके और फिर उसके बाद मुस्तकबिल में उसकी पाबंदी के बाद जो उसके असरात पड़े, क्या नेगेटिव असरात पड़े, थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डाल। अब्दुल शकूर, थैंक यू सर। सर मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए जैसे असगर सर ने फरमाया कि मतलब जो उनकी मसाइल है हॉस्टल्स के और दूसरे जो एफिलिएशन है, क्योंकि मैं खुद, मेरी अपनी एफिलिएशन एक पॉलिटिकल पार्टी से है और मेरी परवरिश भी बचपन से मतलब पॉलिटिकली विंग्स के साथ ही मैं चला हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉलिटिकल तंजीम के साथ एफिलिएशन होना स्टूडेंट यूनियन का, ये बड़ा मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जब एक बच्चा आता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो जो तालीमी इदारे होते हैं उनके रिजल्ट के ऊपर, उनके अटेंडेंस के ऊपर, उनकी दूसरी चीज़ें के ऊपर जो पॉलिटिकली शेल्टर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर वो ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं कि मतलब पास करें, वो चार साल के लिए आते हैं लेकिन डोमिनेट हो जाते हैं कि भाई चार सालों में मतलब वो उस चीज़ को अपना समझते हैं, टीचरों का जो एक अपना एक जो रिस्पेक्ट है वो उसको भी डिस्करेज करना डिस्करेज कर देते हैं, कभी प्रोटेस्ट की सूरत में तो कभी किस तरीके से तो कभी किस तरीके से। लेकिन मैं यूनियन की इस तरह हिमायत करूंगा कि एक स्टूडेंट यूनियन हो जिसमें बाकायदा इलेक्शन हो। सर ने जैसे कहा कि सिंडिकेट में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, सेनेट में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह हमारे अपने एक्ट में है कि हम जो डिसिप्लिन कमेटी है हमारी यूनिवर्सिटीज की, एक्ट में है कि वो हमें हमारी नुमाइंदगी, हम उनको नुमाइंदगी देते हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया था, मोहम्मद शाकिर हमारा पहला स्टूडेंट था जो इलेक्ट हुआ था एज ए स्टूडेंट यूनियन लीडर, उसको हमने सिंडिकेट अपने डिसिप्लिन कमेटी में से बिठा एज ए नुमाइंदगी दी थी स्टूडेंट की तरफ से और उनको बाकायदा हमने नोटिफाई करवाया था हर चीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए लेकिन पॉलिटिकल शेल्टर के बगैर। सही सही, आप मतलब कि तलबा यूनियन की हिमायत करते हैं लेकिन आप ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल शेल्टर या किसी भी पॉलिटिकल अम्ब्रेला के बगैर आए और इसके साथ साथ आवाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल को जागर करें। जो आपने भी एक तस्करा किया एक तालबेल का, जिसको आपने अपनी यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी यानी कि डिसिप्लिन कमेटी के अंदर जो है उसको शामिल किया, थोड़ा सा उसका तजर्बा बताइए कि शाकिर की वहाँ पे नुमाइंदगी कैसे थी और वहाँ पे किस तरीके की सूरत हाल बन गई। बेसिकली हमारे वहाँ पर एक जो दो ग्रुप में झगड़ा हुआ था,
तो उसके लिए जो डिसिप्लिन कमेटी में केस किया था, तो हमने बेसिकली हमारे पास यूनियन थी नहीं, हमने जितने सोसाइटीज थे हमारे उन सोसाइटीज के हवाले से फिर हमने वहाँ पे इलेक्शन काउंटर्स करवाया था, जो उनकी सिलेक्शन थी हमने उस बंदे को नोट पुट अप करवा के रजिस्ट्रार के जरिए इसके हम इलेक्शन करवाइए और ये इस तरीके से इनके इतने वोट मिले हैं लिहाजा ये स्टूडेंट की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, इनको हम डिसिप्लिन कमेटी में बिठाना चाहते हैं। तो उस वक्त उनका नोटिफाई हुआ और उन्होंने बाकायदा बैठ के उनको प्रेजेंट किया था उस मीटिंग में बैठ के, और उन्हें अपने स्टूडेंट्स की मतलब जो भी चीज़ें थी, जो उनकी नुमाइंदगी थी, जो उनके मसले मसाइल थे, उन्होंने बैठ कर उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डील किया, क्या बेसिक इशू क्या था, क्यों ये झगड़ा हुआ था, जो जो चीज़ें थी मतलब उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था हमें। और सर यही कह रहे हैं कि मतलब एक बंदे की नुमाइंदगी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल सेंटर के बगैर हुए। सही है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा और आपसे एक सवाल पूछूंगा। कोई सुनहरी दौर या कोई ऐसे वाकयात, आप स्टूडेंट यूनियन के हिमायती तो काफी अच्छे से हैं और हर फोरम पे जहां आपको मौका मिलता है आप स्टूडेंट यूनियन के हक में दलाइल देते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट यूनियन कितनी जरूरी है। मेरा आपसे सवाल ये है कि माजी में आपने किताबों में या मुख्तलिफ पड़ों से सुना होगा स्टूडेंट यूनियन के 70 और 80 की दहाई में कुछ कारनामे ऐसे या कोई ऐसी चीजें जो आपको लोगों को बताना चाहें। देखिए आज तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत जितनी भी फैसिलिटीज हासिल हैं ये माजी के तालिब इल्म रहनुमाओं की ही जद्दोजहद का नतीजा है। हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि कोई भी मुल्क या कोई भी हुकूमत आपके हुकूक आपको प्लेट में रखकर पेश नहीं करती, बल्कि आज थोड़े बहुत जो राइट्स स्टूडेंट्स को हासिल हैं ये माजी में ही उन तालिब इल्म रहनुमाओं की जद्दोजहद का नतीजा है। देखिये जब पाकिस्तान का कयाम अमल में आया तो उसके बाद पाकिस्तान में DSF नाम की एक तलबा तंजीम थी, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और बहुत ज्यादा इनकी बड़ी जद्दोजहद है। इवन के कराची के अंदर 8 जनवरी की तहरीक बहुत मशहूर है जो तलबा हुकूक के लिए एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। 8 जनवरी 1953 को इसी शहर कराची में 7 से 8 तालिबे इल्मों को फायरिंग करके शहीद किया गया था, क्योंकि वो अपने हुकूक की डिमांड कर रहे थे, वो गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे थे कि फीसों में कमी की जाए, तलबा के मसाइल को हल किया जाए, लेकिन उन पर फायरिंग कर दी गई। तो ये एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। इसी तरह मगर हम बंगाल में देखें, मशरकी बंगाल में, तो वहां पर भी बंगला जबान के मसले पर वो तलबा ही की तहरीक थी जो कि अपनी लिसानी खुद मुख्तारी और बंगला जबान को भी एक कौमी जबान बनने के लिए उसकी जद्दोजहद कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स यूनियन जब तक हमारे यहाँ कायम थी 1984 तक, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए हाफ टिकट का इंतजाम होता था बसों में, जो हमारी खैर नस्ल ने तो स्टूडेंट्स यूनियन को चूंकि देखा ही नहीं है, लेकिन जब हम भी जरा बड़े हुए थे तो जो बसेस थी वहां पर बाकायदा जो टिकट जारी होता था, अगर आप तालिबे इल्म अपना कार्ड दिखाता था तो उसकी टिकट हाफ होती थी, जो बस का किराया था वो हाफ किराया होता था। ये माजी में उन तालिबे इल्म रहनुमाओं की जद्दोजहद है। उसके बाद फिर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का कयाम अमल में आया तो उन्होंने भी बहुत तारीख साज जो जद्दोजहद की, उसके नतीजे में तलबा की फीसें आधी हुई, तलबा के लिए हॉस्टल्स। देखिए जब कराची चूंकि जब कैपिटल था तो उस वक्त यहाँ पर बड़े मसाइल होते थे, चूंकि सिंध का रेवेन्यू कराची को नहीं मिलता था, तो जो पूरे पाकिस्तान से तलबा कराची में तालीम हासिल करते थे उनके लिए रिहायशी हॉस्टल्स के बड़े मसाइल थे। तो ये उन तलबा रहनुमाओं की जद्दोजहद थी कि उन्होंने आज जो थोड़े बहुत टूटे फूटे छोटे कम ज्यादा हॉस्टल जो आपको नजर आ रहे हैं ये उस वक्त के यूनियन रहनुमाओं की ही कोशिशों का नतीजा था। चूंकि उस वक्त जो यूनियन लीडर्स थे वो यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में बैठते थे, वो यूनिवर्सिटी के सेनेट में बैठते थे और एक ICB होती थी, इंटर कॉलेजिएट बॉडीज। कराची भर के या पाकिस्तान भर के जो कॉलेजेस होते थे, खासतौर पर मैं कराची के तनाजुर में बात करना चाहूंगा, वहां के प्रेसिडेंट और यूनियन सेक्रेटरी पर मुश्तमिल एक इंटर कॉलेजेस बॉडीज होती थी कि जिनका एक चुनिंदा नुमाइंदा वो कराची यूनिवर्सिटी में होता था, चूंकि पहले कराची में एक ही कराची यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो और जो जितने भी कॉलेजेस थे वो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थे, तो उनके बाकायदा जो प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरीज थे उनकी इंटर कॉलेजेस बॉडीज बनाई गई थी। तो लिहाजा एक बड़ी जबरदस्त यहाँ पर तहरीके चली है। अयूब खान के खिलाफ भी सबसे जबरदस्त जो तहरीक चलाई, इवन की जब सियासी पार्टियां मफलूज हो गई थी, जब सियासी पार्टियां डिक्टेटरशिप के खिलाफ रद्द अमल देने में नाकाम हुई थी, तो ये तलबा ही थे जिन्होंने आगे बढ़कर अयूबी आमरियत को चैलेंज किया। जनरल अयूब खान के दौर में 3 साल डिग्री प्रोग्राम नाफिज किया गया था, जैसे कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज में 4 साल डिग्री प्रोग्राम नाफिज है,
जिसको हम BS 4-year प्रोग्राम कहते हैं, जनरल अयूब खान के दौर में 3 साल का डिग्री प्रोग्राम नाफिज किया गया था। तो तलबा ने जबरदस्त रद्द अमल का मुजाहरा किया, DSF के लोगों ने और भी जो तलबा तंजीमें थी जो प्रोग्रेसिव रोशन ख्याल लोग थे, उन तालिबे इल्मों ने जबरदस्त जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में अयूब खान की गवर्नमेंट ने 3 साल जो डिग्री का जो ऑर्डिनेंस था जो प्रोग्राम था वो उन्हें वापस लेना पड़ा, क्योंकि तालिबे इल्मों की डिमांड ये थी कि हम ज्यादा फीसिस देकर और 1 साल ज्यादा तालीम पर लगाकर हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज चूंकि वो जमहूरी तहरीके वो जमहूरी कुव्वतें उस तरह से मौजूद नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि आज हर तरह की पॉलिसीज यूनिवर्सिटीज पर नाफिज हो रही है। और बदकिस्मती की बात यह है कि तलबा उन पॉलिसीज में कहीं पर पाए नहीं जाते। कुछ भी हो जाए, जो भी हम एजुकेशनल पॉलिसीज बनाते हैं, जो अकेडमिक पॉलिसीज बनाते हैं, उसमें तलबा की कोई रहनुमाई नहीं है। और आज तालिबे इल्मों के हवाले से जो नित नए चीजें सामने आ रही है, जो फीसों में होशरबा इजाफा किया जा रहा है, जो तालीम को कमर्शलाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो हमें तलबा की वो आवाज नजर नहीं आती। ये यूनियन पर पाबंदी का ही शाखसाना है कि आज सोसाइटी तकरीबन डीपोलिटिसाइज हो चुकी है। चूंकि पाकिस्तानी समाज को एक मुनज्जिम तरीके से डीपोलिटिसाइज किया गया है, और इस डीपोलिटिकलाइजेशन का जो अमल है ये तलबा यूनियन पर पाबंदी के साथ मजीद तेज कर दी गई है। जैसा आज हमारा समाज एक गैर सियासी वजूद की हैसियत रखता है, एक डीपोलिटिकलाइजेशन का शिकार है, जहां पर मुश्तरिका जद्दोजहद में अदम दिलचस्पी है, जहां पर कम अज कम चीजों पर लोगों का इकट्ठा होना, एक कंसेंसस डेवलप करना बहुत मुश्किल हो गया है। तलबा यूनियन पर पाबंदी की वजह से अब हमारे तालिबे इल्म उस तरह से टीम वर्क को नहीं समझते, उस तरह से सियासी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि बहुत सारे लोग अब सियासत को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, जबकि सियासत तो आपके मसाइल के हल का नाम है। उस पॉलिटिकल प्रोसेस में रहते हुए ही आप अपनी जद्दोजहद कर सकते हैं। इंफरादी सतह पर चीजों के मसाइल उस तरह से हल नहीं हो सकते जब आप उसको इज्तमाई लेवल पर ले जाते। और देखिये ये सेंस तो तलबा यूनियन ने ही दिया था, उस सेंस की वजह से तालिबे इल्मों की कम्युनिकेशन स्किल्स, तालिबे इल्मों की डीलिंग जो एबिलिटी थी मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर अपने मसाइल को हाईलाइट करना, ये सब तलबा यूनियन की देन थी। लेकिन आज पिछले 35-36 सालों से चूंकि यूनियन अब हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो ना हमारे यहाँ डिबेटिंग सोसाइटीज हैं उस तरह से, ना हमारे यहाँ उस तरह से दीगर चीजें पाई जाती है। तो बहरहाल ये एक डिक्लाइन है और ये इसको ठीक होना चाहिए। जबरदस्त डॉक्टर साहब, आपका बड़ा बहुत डिटेल्स, जिस तरह का हम मुफस्सिल गुफ्तगु करना चाह रहे थे, एक मुफस्सिल जवाब के तलबगार थे, आपने वैसे ही जबरदस्त जवाब दिया और जिस तरह कवर अप किया, बहुत हमारे सुनने वाले व्यूअर्स के लिए भी रोशनी का और आगाही का एक बहुत जबरदस्त चीज आई। चलिए जी, मूव करते हैं टूवर्ड्स एसएन। एसएन बिल्कुल आप यंग हैं और अभी एक अंडरग्रेड प्रोग्राम के आप स्टूडेंट भी हैं, और बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी सर्विसेज की अंदर जो एक सोसाइटी है उसमें रोल प्ले कर। मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि जो आपने डॉक्टर साहब की और सर शकूत की बड़ी डिटेल डिस्कशन सुनी अबाउट स्टूडेंट यूनियन, तो आप क्या समझते हैं कि तलबा यूनियन वाकई में बहाल होने की जरूरत है? क्या आप इस चीज के हक में हैं? या आप ये फील करते हैं कि आप उसकी जरूरत नहीं है, हमारे टीचर सारे काम कर देते हैं, हमारी सोसाइटी मसला हल हो जाता है, हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि हमें किसी स्टूडेंट यूनियन की जरूरत? जी ऐसा सर समाओ, मैं डॉक्टर असगर दस्ती साहब की बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ और उनकी बात बिल्कुल 110% राइट थी कि गुज़श्ता माजी आज जो इस मुल्क में जो हमको पार्लियामेंट में जो हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, जो कुछ हमारे उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसी स्टूडेंट्स यूनियन के फेस से गुजर के ही आज उस मकाम पे आके पहुँचे। और आप जहाँ तक आपकी बात थी सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो जी सर बिल्कुल, मैं अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें स्टूडेंट्स यूनियन का इंकताद करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। पिछली 2 बार स्टूडेंट यूनियन के बैन को इम्पोज करने के लिए 2 रेजोल्यूशंस पास हुए सर, लेकिन अब तक उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। देखिए सर, बेसिकली स्टूडेंट यूनियन, जहाँ तक मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो सर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स के आपस में इंट्रैक्शन मैनेजमेंट के साथ ना होने की वजह से वो बातें दबी की दबी रह जाती। तो स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे मसले मसाइलात होते हैं, जैसे अजगर साहब ने बोला, सर शकूर ने काफ़ी अच्छी बातें कही कि स्टूडेंट्स यूनियन होनी चाहिए बट विदाउट पॉलिटिक्स। सर अमूमन होता क्या है, हमेशा
ये जो स्टूडेंट आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी स्टूडेंट सोसाइटी स्टूडेंट यूनियन रही हैं जो 84 से लेकर लेट 70s और 80s के टाइम पे, सर वो स्टूडेंट यूनियन में होता क्या था कि जहाँ तक होता क्या होता ये था कि नॉर्मली जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई अपोजिशन के साथ कोई झगड़ा होता था या कोई और ऐसी बात होती थी तो वो क्या करते थे, स्टूडेंट्स को ले जाके बाहर सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए बिठा देते थे। उसने एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट, एक ऐसा नेगेटिव परसेप्शन लोगों के दिमाग में छोड़ा हुआ है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स यूनियन को एक बहुत ही गलत निगाह से देखा जाता है। और स्टूडेंट्स यूनियन एक वो प्लेटफॉर्म होता है सर, जहाँ जो हमारा फर्स्ट स्टेप है सर, वो एक नर्सरी है, वहां से हम निकल के आगे मुस्तकबिल में इन फ्यूचर लीडिंग इनोवेशंस की तरफ जाते हैं, अपने कंट्री की प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं। और इन हाउस हम ऑन ग्राउंड यूनिवर्सिटी में रह के भी हमारे लिए वो बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि हमारे हेलो जी 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 आपकी आवाज आ रही है जी सर। बेसिकली बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम अपने टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम अपने मैनेजमेंट के जो अथॉरिटी होल्डर्स होते हैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है क्योंकि सर ये नंबर में बहुत कम है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों लाखों स्टूडेंट्स होते हैं और उन हजारों लाखों स्टूडेंट के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में हजार किस्म के नए प्रॉब्लम्स जो है ना फेस आ रहे होते हैं। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा बहुत कम एम्प्लॉयमेंट की वजह से, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एक सर शकूर है, सर शकूर 3,500 हमारी यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ रह चुकी है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो मैंने अपनी आंखों से नोटिस की है। वो अपना 100% देते हैं उन चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, वो 100% देते हैं अपनी चीजों को, अपने स्टूडेंट्स के जो मसले होते हैं उनको सुलझाने के लिए। लेकिन सर समहाउ कहीं ना कहीं रह जाते हैं, सर शकूर भी एक अकेले इंसान होते हैं और उनके साथ उनकी टीम होती है पूरी, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर पूरा नहीं हो पाता। हमारे साथ ऐसे बहुत से मसले होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ कुछ कुछ आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स में आते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स यूनियन ना होने की वजह से वो बातें दबी की दबी रह जाती हैं और वो एक रिदम में, जैसे हमारी सिंपल जो डाउन जैसे कहते हैं कि हमारी बुनियाद ही अगर उस तरीके से स्ट्रांग ना हो तो हम आगे जाके कैसे एक बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यूनियन सर बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बिना पॉलिटिक्स के होनी चाहिए, उसमें पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन ना हो और कोई बाहर की मुदाखलत ना हो। स्टूडेंट्स यूनियन सिर्फ एक स्टूडेंट वेलफेयर की तरह स्टूडेंट्स के लिए काम करे और स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस तक रहे। सही, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी शकुर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, जैसे अभी एसएन ने आपको और डॉक्टर साहब ने भी बार बार इस बात को हाईलाइट किया कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो नर्सरी है, वो पहली बुनियाद है जहां से आप ये सारी सिचुएशन को स्टार्ट करते हैं और एक अच्छी लीडरशिप भी, एक इनोवेटिव लीडरशिप भी हमारे सामने स्टूडेंट यूनियन के थ्रू दस्तयाब हो। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बार बार एसएन ने एक बात कही और बार बार डिस्कशन में ये बात आती कि नाकिदीन स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ सबसे पहला दलाइल ये देते हैं कि इसको बहाल ना करने की बुनियादी वजह स्टूडेंट का पॉलिटिसाइज होना, स्टूडेंट के अंदर ग्रुपिंग का आगाज हो जाना, स्टूडेंट एक मुश्तरका तौर पे नहीं रहते बल्कि वो डिवाइड हो जाते हैं एथनिक बेसिस के ऊपर, रिलीजियस बेसिस के ऊपर या लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर। तो जो डिवीजन है उस डिवीजन को रोकने के लिए स्टूडेंट यूनियन नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक एस्पेक्ट ये कि स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाएगा तो वापस यूनिवर्सिटीज के अंदर पुरतशद्दुद वाकयात आने लगेंगे, जिसके माजी में कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन मिसहैंडल हुई है। तो और दूसरी तीसरी तरफ एक नाकिदीन का गिला है स्टूडेंट यूनियन के हवाले से कि स्टूडेंट यूनियन जो होती है वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एम्पावर कर देती है। तो जब वो सिंडिकेट और सेनेट में नुमाइंदगी के साथ बैठेंगे तो अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको वो समझ नहीं पा रहे, एग्जाम्पल एक फीस के इंक्रीमेंटल अब बजटरी लेवल पे इकोनॉमिकली तौर पे अगर फीस को इंक्रीज करना है और स्टूडेंट यूनियन वाला खड़ा हो जाए जी मैं तो फीस को इंक्रीज नहीं होने दूंगा और मैं स्ट्राइक के ऊपर जा रहा हूँ, मैं बैकआउट पे आ रहा हूँ, तो हमारे लिए जामियात चलाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तीन पॉइंट्स थे जो नाकिदीन कहते हैं, आपके इसके बारे में क्या कहते हैं? सर बेसिकली स्टूडेंट यूनियन का मकसद ये नहीं होता कि आप वहाँ पे सियासत करें, स्टूडेंट यूनियन का ये मकसद होता है कि आप उनको डेवलप करें, लीडरशिप डेवलप करें वहाँ पर। और आप कराची यूनिवर्सिटी का हाल देखें, ठीक है ना, वहाँ पर आप कोई इवेंट करा के देखें म्यूजिक कॉन्सर्ट का, आपको लग पता लग जाएगा कि किस तरह के वहाँ पे हालात हो जाएंगे। आप दूसरी जामियात में जाए तो वहाँ की भी यही हालत है। आप मैं सर अजगर के यूनिवर्सिटी की तरफ इशारा करूंगा कि वहाँ पर भी स्टूडेंट यूनियन यानी कि जो तलबा तंजीम है, सियासी पॉलिटिकल विंग्स इनको कहूँगा, देखें
जितने भी आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जाएं, जितने भी रिपोर्टें हैं उनके पास सिर्फ यही है कि हॉस्टल जो होती हैं वो दहशतगर्दी का गढ़ बनती हैं, समझ गए ना। तो वहाँ पर तमाम किसी जो तालिब इलम नहीं है वो भी आकर अपनी आमाजगा बनाते हैं। वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी के जब ऑपरेशन हुआ था, आपको तो याद होगा कराची यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, तो वहाँ पर जो हॉस्टल खाली करवाने के जो मामला था तो वहाँ पर बाकायदा रेंजर्स और आर्मी रिक्रूट हुई थी, तब जाके बड़े मुश्किलों से इन्होंने मामला को वहाँ से टैकल किया था। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप के लिए हद तक तो ठीक है, और सिंडिकेट में उनको नुमाइंदगी जिस तरह आप कह रहे थे कि सिंडिकेट में अगर वो बैठेंगे तो वो इस चीज़ को ना समझेंगे। मैं समझता हूँ कि तलबात के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो समझते हैं इस चीज़ को, उनको किस जाविये से बात करनी है। मैं समझता हूँ कि उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, अपने मसाइल के हल तक उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और अपने डिपार्टमेंट के हल तक उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, ताकि उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर हो बच्चे का, वो जाए उनसे डिस्कस करें। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और रही बात तो पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स से मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि आपने सुना होगा कि जब एब्सोल्यूट पावर होती है, और क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के और आईआर के बहुत अच्छे उस्ताद रहे हैं, चीजें आपने बहुत ज्यादा करीब से मुशाहिदा की हुई है और प्रैक्टिकल एक्टिविज्म के अंदर भी आप इन्वॉल्व रहे हैं, आपको जो नाकिबीन कह रहे हैं कि जी एब्सोल्यूट पावर मिलेगी और बहुत ज्यादा पावर आएगी स्टूडेंट्स यूनियन के थ्रू तालिबान के हाथों, तो बहुत सारी जगहों पे मफादात का टकराव होगा मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मैनेजमेंट बहुत कुछ देखते हुए कुछ सोचते हुए चीजों का फैसला करती है। अगर आप फैसला साजी के अंदर तालिब इल्मों को शामिल कर लेंगे तो फैसला साजी का जो मराहल है वो मुश्किल नहीं हो जाएंगे? देखें, सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर स्टूडेंट्स जो यूनियन लीडर होता था पहले के जमानों में, और एक इलेक्शन प्रोसेस के जरिए सामने आता था, और वो अपने लोगों को यानी के तलबा को तालबे इल्मों को जवाबदेह होता था, जिस तरफ इशारा किया जा रहा है तशद्दुद की तरफ, वायलेंस की तरफ या हॉस्टल्स खाली कराने वाली बातों की तरफ, ये स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी के बाद की बातें हैं। जो स्टूडेंट्स यूनियन लीडर होता था वो तो जवाबदेह होता था, वो तो इलेक्शन में वोट लेके आता था, वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने का मुतमल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे तो वापस अगले साल लोगों के लिए वोट लेने जाना होता था। खैर, ये तो रही एक बात। देखिए, मुझे एक सिंपल सी बात ये बताइए, आज ऑक्सफर्ड में, कैम्ब्रिज में, येले में और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी हार्वर्ड, MIT और जो स्टैनफोर्ड, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर बहुत ही फंक्शनल स्टूडेंट्स यूनियन मौजूद है। इन तमाम तालीमी इदारों में जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जो नाम लिया, ये बहुत बड़े तालीमी इदारे हैं और यहाँ पर जबरदस्त किस्म के स्टूडेंट्स लीडर अभी भी मौजूद हैं और बहुत बड़े लेवल पर वहां स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स होती है। ये इदारे तो तबाह नहीं हुए, ना ऑक्सफर्ड तबाह हुआ, ना कैम्ब्रिज तबाह हुआ, ना येले तबाह हुआ, ना स्टैनफोर्ड तबाह हुआ, ना MIT तबाह हुआ, ना बार्कले तबाह हुआ। देखिये, ये बात नहीं है कि अगर उनको हम मैनेजमेंट का पार्ट बनाएंगे तो वो समझेंगे नहीं, या देखिये हमारे यहाँ रियासत की जिम्मेदारी और तरजीह तालीम है ही नहीं। तालीम का महज जो बजट है यहाँ पर वो 2% है, तालीमी इदारों पर किसी की नजर पड़ती ही नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर मसाइल बहुत है और इंतजामिया भी उन मसाइल को अपने तौर पर हल नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इनकी नुमाइंदगी खत्म कर दी जाए स्टूडेंट्स क्या, बल्कि बहुत सारे इदारों में तो टीचर्स की नुमाइंदगी भी नहीं दी जाती है कि भाई ये अपने हुकूक की बात करेंगे। तो चूंकि हमारे यहाँ का जो एक स्पेक्ट्रम है वो बड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो है। देखिए, अगर स्टूडेंट्स यूनियन इतनी ही बुरी और खतरनाक चीज है तो आज दुनिया भर की वो यूनिवर्सिटीज जहां पर स्टूडेंट्स यूनियन मौजूद है वो क्यों इतना आगे हैं, और पाकिस्तान जहां 84 से स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदियां हैं, तो आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज इतने पीछे क्यों है? आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को तो वर्ल्ड रैंकिंग में आना चाहिए, आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के टक्कर में आ जाना चाहिए था कि भाई यहाँ पर तो स्टूडेंट्स यूनियन ही नहीं है। मसला तो आपने हल कर दिया। डॉक्टर साहब, कथा कलामी हो रही है, मैं यहाँ पे अगर आपसे एक बात अर्ज करूं कि अगर हम ग्रीवेंस कमेटी नाम कोई चीज बना दें जिसके अंदर तालिब इल्मों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको लेके हम चीजों को एडजस्ट करें और वहां पे उनकी शिकायत को एड्रेस करें और टाइमली उसको पूरा भी करें, जस्ट लाइक आपने एक तरफ इशारा किया कि इंतजामिया में वो कैपेसिटी नहीं है, कहीं पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस नजर आते हैं और कहीं पे हमें फाइनेंशियल क्रंच नजर आते हैं। आपने इंडिकेट किया कि जस्ट 2% फॉर होल एजुकेशन सिस्टम, इवन उसके अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम भी शामिल, यानी कि फ्रॉम प्राइमरी टिल हायर स्टडीज सारों का बजट जस्ट 2% रखा। डेफिनेटली तालीम हमारी प्रायोरिटी है जिसके नतायज माशरे में हमें नजर भी आते हैं।
तो मेरा ये सवाल ये कि ये चीजें क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ डिफरेंट फोरम से बैठ के आपको समझ में आ रही है, वो तालिबान जो अभी अंडर ग्रेड्स के अंदर है उसके अंदर इमोशनल और जज्बातीपन ज्यादा है, तो क्या बेहतर नहीं है कि कोई सेपरेट मॉडल करके ग्रेवेंस कमेटी बना के इन इश्यूज को एड्रेस कर लिया जाए? देखिए पाकिस्तान वैसे बुनियादी तौर पर तो क्लेम करता है कि वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और यहाँ पर एक वेस्ट मिनिस्टर का जो जमहूरी निज़ाम है उसी को हम बहरहाल किसी न किसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और एक वन पर्सन वन वोट की बुनियाद पर जो कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो कि जाहिर के ब्रिटिश कानून का ही एक तरह से उसे आप चरबा कह ले या मलगूबा कह ले वगैरह वगैरह का जो तस्वुर है, सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में आया था क्योंकि जमहूरी नुमाइंदगी का हक तो वैसे ही यहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज में दिया नहीं जाता। अब स्टूडेंट्स के मसाइल तो बहरहाल मौजूद रहते ही हैं, वो खत्म नहीं होते, आप चाहे उनकी नुमाइंदगी खत्म भी कर दे लेकिन स्टूडेंट्स के मसाइल खत्म नहीं हो सकते। देखिये जब आप इलाकों में अपने इलेक्शन कराते हैं, जब आप बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं, जब आप ये समझते हैं कि लोगों को जो है वो ग्रास रूट लेवल पर जो है वो चीजें मुहैया की जानी चाहिए, मुझे ये बात पे नहीं आती कि आज हमारी सोसाइटी में जो एक नैरेटिव चल रहा है स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स से जो एक खतरा महसूस किया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जो तलबा यूनियन की बहाली नहीं चाहती, आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जो नौजवानों में जमहूरी रवैयों को पैदा होने नहीं देना चाहती, वो कौन से लोग हैं जो सियासत को महज पॉलिटिकल इलीट या सियासी अशराफिया तक महदूद रखना चाहते हैं, वो कौन से लोग हैं जो नौजवानों में जो तालिब इल्मों में ग्रास रूट पॉलिटिक्स को परवान चढ़ने नहीं देना चाहते। देखिए हमें, मैं इस बात पर बहुत ही क्लियर हूं कि तलबा यूनियन या तलबा की जो नुमाइंदगी है चाहे वो कैंपस के हवाले से हो, जो कैंपस पॉलिटिक्स के हवाले से हो या मुल्की लेवल के हवाले से हो, ये इंतहाई जरूरी है। देखिए आज डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी को कौन नहीं जानता, ये रहनुमा थे, तालिब इल्म रहनुमा थे, ये यूनियन लीडर थे, ये डाओ मेडिकल कॉलेज में DSF के रहनुमा थे, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन के, आज HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुसैन नकी को कौन नहीं जानता, जिन्हें साकिब निसार ने अपनी अदालत में बुलाया भी था और उनकी तौहीन भी की थी, आज उन्हें कौन नहीं जानता। ये कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे, इन्हें शहर बदर कर दिया गया था। आज अमीर हैदर काजमी को कौन नहीं जानता, आज मेराज मोहम्मद खान को कौन नहीं जानता, आज PIIA के फतेहाब अली खान को कौन नहीं जानता, आज शफी नकी जामी BBC के, इन्हें कौन नहीं जानता। ये सारे स्टूडेंट लीडर थे, ये सब के सब अगर आप एकेडमिक साइड पर आ जाएं तो प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान या प्रोफेसर सलीम मुगल वगैरह या हमारी अपनी उर्दू यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर थे, ये सब स्टूडेंट लीडर थे। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स यूनियन, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स यूनियन एक पॉजिटिव प्रोडक्ट पैदा करती है माशरे में। देखिये गैर सियासी होना खुद एक जहालत से कम नहीं है, सियासी शहूर, देखिए आज पाकिस्तान भर में पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ाई जाती है, दुनिया भर में पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस को भी गैर सियासी बना के पेश किया जाता है, उसे भी अमल से काट कर पेश किया जाता है। देखिए जैसे कि मार्क्स ने कहा है ना कि फलसफियों ने तो दुनिया की महज तशरीह की है जबकि असल काम इसे बदलना है, तो लिहाजा अमल बगैर किसी इल्म के वो फायदेमंद नहीं है, इल्म जो है वो अमल के फायदेमंद नहीं है। तो इस एक्टिविटीज को, उन मसाइल के हल को, देखिए मसाइल है, हम मसाइल से भागते क्यों है, हम मसाइल से, हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि तालिबी बजट को बढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स के मसाइल खत्म हो जाएंगे, स्टूडेंट्स जिन चीजों पर चीखते हैं बचा के उनकी आवाज को खत्म करने के, हमें तालिबी बजट में इजाफे की बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान सिग्नेटरी है इंटरनेशनल फोरम्स पर कि वो 2015 तक अपने बजट को कम से कम 7% तक लेके जाएगा, लेकिन पाकिस्तान उन इंटरनेशनल वादों पर अमल नहीं करता, पाकिस्तान यकीन दहानी करवाता है इंटरनेशनल फोरम्स पर, चाहे वो सेनेगल में डकार कॉन्फ्रेंस हो, जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी ग्लोबल, पाकिस्तान वहां यकीन दहानी कराता है, लेकिन हमारे यहाँ तालीम को जो है तरजीह नहीं दी जाती। और एक बात हमें यह समझनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में महज 1%, पिछले सालों ये 1.2 और 1.3 था और अब ये 1% पूरे पाकिस्तान की कुल आबादी का महज 1% यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करता है, यानी कि 99% लोग यूनिवर्सिटी पहुंच ही नहीं पाते, ये हमारा तालीमी हाल है। और अब उस 1% से भी खौफजदा है कि ये अपने मसाइल की बात करते हैं, अरे भाई पूरे पाकिस्तान में हम 1% लोगों को यूनिवर्सिटी एजुकेशन दे रहे हैं,
और उनके अभी मसाइल हमसे हल नहीं होते, बजाय कि हम तालीमी बजट को बढ़ाए, बजाय कि हम पूरी आबादी को यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ लाए, हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, बच्चे स्कूलों से आगे बढ़ ही नहीं पाते प्राइमरी से आगे। तो इन मसाइल से हमें भागना नहीं चाहिए, इन्हें हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का सेशन के टू वे कम्युनिकेशन पे और बहुत ज्यादा लाइवली और इंटरैक्टिव सेशन है, मेरे पास बैकअप पे बहुत ज्यादा कमेंट्स और क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि शकूर साहब और आपसे और एहसन से भी लिए गए हैं, पूछे गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे टाइमली जल्दी जल्दी कमेंट्स को अपलोड कर दें ताकि मैं कर दूं। मेरा क्वेश्चन सर शकूर से है कि सर आपको नहीं लगता कि VVSL में भी स्टूडेंट यूनियन बननी चाहिए? और इसी के साथ तहरीन अंजुम ने सवाल पूछा, थैंक यू तहरीन फॉर वाचिंग आवर ट्रांसमिशन, और तहरीन लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहे ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। सर तहरीन के क्वेश्चन में ही मैं आपके साथ ये ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आप 8 सोसाइटीज को लीड कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, तो क्या स्टूडेंट सोसाइटी वो काम अंजाम नहीं दे पा रही कि VVSL में स्टूडेंट यूनियन की जरूरत हो? बिल्कुल स्टूडेंट यूनियन की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे एक्ट के अंदर इस चीज का बिल्कुल शक है कि स्टूडेंट यूनियन का जो है ना प्रेसिडेंट होगा वो हमारे डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर होगा। और सोसाइटीज में समझता हूँ कि सोसाइटीज का काम कुछ और है, वहाँ से भी लीडरशिप भी पैदा होती है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन का होना जरूरी है। जैसे सर ने कहा था कि मतलब पॉलिटिक्स के बगैर नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स लाजमी है, तो मैं ये समझता हूँ वो सर की राय है, काबिल एहतराम है मेरे सर, उनकी राय अपनी जगह, वो बेहतर समझते हैं मुझसे, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, मैंने जो तकरीबन 9 साल से मैं जिस फील्ड में बैठ के काम कर रहा हूँ, जहाँ से मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट अगर ज़्यादा एम्पावर होता है तो वो अपनी ताकत के जोर के ऊपर अपने टीचर को दबाने की कोशिश करता है और अपने मनपसंद फैसले करवाने की कोशिश करता है। ये समझता हूँ कि ये चीज है मेरी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपसे क्वेश्चन है, शहबाज मुराद साहब का स्क्रीन पे शहबाज का क्वेश्चन आए जी। Politics is both study and skills as how power is exercised and by whom? देखिए, everything is politics and politics is everything. देखिए, कोई भी मसला सियासत के बगैर हल नहीं होता। अगर हम ये कहते हैं कि तालीमी बजट बढ़ना चाहिए तो उसके लिए भी सियासी अमल की ही जरूरत है, पार्लियामेंट या हुकूमती सतह पर, अगेन ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। अगर हम ये चाहते हैं कि सेहत का निजाम बेहतर हो तो जनाब पानी को साफ करना डॉक्टर का काम नहीं है, बल्कि ये कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का काम है, ये उन इदारों का काम है जिनके एडमिनिस्ट्रेटर और वजीर बल्दियात, अगेन ये एक सियासी मसला है। तो सियासत को आप आउट करके नहीं देख सकते, आप सेहत की बात करें, आप तालीम की बात करें, आप रोजगार की बात करें, आप किसी भी चीज की बात करें, वो कहीं ना कहीं सियासत से ही कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ ही वो चलता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कहते कि हमारा वजीर तालीम जो है वो कोई गैर सियासी है, वो ऑफ कोर्स वो एक सियासी है, हमारा वजीर सेहत कोई गैर सियासी नहीं हो सकता, वो एक पॉलिटिकल बंदा ही होगा जो किसी ना किसी सियासत के जरिए, किसी ना किसी सियासी पार्टी के जरिए आकर वहां पर बैठकर उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह ये पावर एक्सरसाइज होते हैं। देखिए, रास्ता वही पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही होता है, चाहे आप उसको किसी भी तरह बयान करें, लेकिन बगैर सियासी अमल के आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आपको जो भी चीज चाहिए हो उसके पीछे एक पॉजिटिव पॉलिटिकल प्रोसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। असदुल्ला खान लाशारी साहब ने कहा है कि स्टूडेंट यूनियन से ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट निकली माजी में। जी बिल्कुल, ये बात को इंडिकेट भी किया, डॉक्टर साहब ने भी इंडिकेट किया, शकूर साहब ने, काफी अच्छे अच्छे लीडर्स हमें हासिल। अच्छा जी, सेकंड कमेंट असदुल्लाह खान का ये, व्हिच स्ट्रेटजी एंड विंग इज बेटर, स्टूडेंट यूनियन वर्सेस स्टूडेंट सोसाइटीज? माय क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर साहब एंड शकूर साहब, क्या ये यूनियन की बात आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकंड फॉर्मूला नहीं था? आई थिंक लाशारी शकूर साहब ने तो इसका जवाब दे दिया है, स्टूडेंट सोसाइटीज वर्सेज स्टूडेंट यूनियन दोनों अगर पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ हार्म है, आप उसको स्टूडेंट यूनियन कहें या स्टूडेंट सोसाइटीज कहें। बट डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने स्टार्टिंग में अर्ज किया है कि स्टूडेंट यूनियन अपर हैंड रखती है रादर देन स्टूडेंट सोसाइटी से, कि ना सिर्फ वो डेमोक्रेटिक होती है, ना सिर्फ वो इलेक्शन के प्रोसेस से आती है, बल्कि वो जो आपके पास फैसला करने वाले इदारे होते हैं, यानी कि फैसला साजी के आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, आपका सिंडिकेट, आपके सेनेट, वहां पे भी स्टूडेंट यूनियन की नुमाइंदगी होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम जामियात के अंदर एक स्टेक होल्डर समझते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा लगेज नहीं समझते। इस वजह से
अच्छा जी, मोहम्मद मामून कहते हैं सर, डू यू थिंक पॉलिटिक्स इज मीन्ड और डिफाइंड रॉन्ग हियर और इट्स मीनिंग हैज बीन टॉट रॉन्ग? डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि सियासत की तारीफ और सियासत के मताले भी हमें गलत बयान किए गए, गलत पढ़ाए गए? देखिए जी जी, मैं समझ, देखिए हमारे यहाँ असातज़ा भी वही कुछ पढ़ाते हैं जो उन्हें आता है, और जो ज्यादा स्टडी करता है, जो ज्यादा चीजों करता है, उन्हीं चीजों को वो पढ़ा सकता है। तो हमारे यहाँ सियासत को एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में पेश किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई 35 साल तो गैर जमहूरी हुकूमतें रही हैं, 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स इस मुल्क पर रूल करते रहे हैं, हमारे सिलेबस को इतना पॉल्यूटेड कर दिया गया है कि उस सिलेबस को, उस करिकुलम को पढ़कर आने वाला नौजवान वो उस तरह से पॉजिटिव नहीं सोच पाता, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत को शजरे ममनुहा कर दे दिया गया है। क्या मुझे बताया जाए, क्या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक सियासी जमात से नहीं था? क्या पाकिस्तान बनाने वाले जोमा का, अकाबरीन का ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था? लेकिन हमारे करिकुलम को इतना नॉन पॉलिटिकल बना दिया गया है और उसमें उन तमाम हीरोज को निकाल दिया गया है जो हमारे सियासी हीरोज थे। देखिए आप जिन हीरोज के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनकी तस्वीरें हम अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लगाते हैं, वो सब के सब सियासी लोग थे, वो सब के सब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते थे, वो और उसी जदोजहद के नतीजे में सब चीजें सामने आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब आपकी बात आ गई और आपने माशाल्लाह से बिल्कुल एक सही तरफ इंडिकेट किया, राजाजा मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, इवन खवातीन के अंदर भी अम्मा मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनकी तहरीकें, सब कुछ सामने। डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रोसेस आपको एक पॉलिटिकल चीजें देती है, शायद हमारे पास पॉलिटिकल फैमिलीज या पॉलिटिकल खतरे में कि एक आम आदमी उठ के अगर सियासी शऊर हासिल कर लेगा और एक सियासी लीडर बन जाएगा तो जो पॉलिटिकल नीड की हेगमनी है, जो हैबत कायम हुई भी है, शायद वो तो टूट जाए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें थी। मोहम्मद मामून साहब कहते हैं सर अजगर से काफी चीजें सीखनी है, चले जी इंशाल्लाह सर अजगर, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। ओके जी, एप्रिसिएशन के लिए शुक्रिया। मिस बिकाब कहती हैं कि जी स्टूडेंट यूनियन एंड स्टूडेंट सोसाइटी में सियासी और कौमियात को देखकर फेवरेटिज्म होता है, वो कैसे खत्म हो सकता है? जी ठाकुर साहब, सर सवाल दोबारा दोहराएं। जी, स्टूडेंट यूनियन के अंदर और स्टूडेंट सोसाइटी में सियासी और कौमियात को देखकर फेवरेटिज्म होता है, वो कैसे खत्म हो सकता है? मींस के अभी तक स्टूडेंट्स का ये है कि शायद हमारी स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिसाइज हुई नहीं है और एक पर्टिकुलर पोलर को रिप्रेजेंट कर रही है। सर हम सियासत के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि सियासत हो, लेकिन जो नजरियाती इख्तिलाफ है, मेरा आइडियोलॉजी कोई और है, आपका पॉलिटिकली एफिलिएशन किसी और के साथ है, तो हमारे नजरियाती जो चीजें हैं ना वो क्लैश होती है, उस क्लैश होने के बाद फिर टॉलरेंस लेवल जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अपनी बात मनवाने के लिए आपकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी बात मनवाने के लिए मेरी आइडियोलॉजी अलग है, तो बेसिकली जो नजरियाती जो चीजें हैं ना तो वहां से वो क्लैश शुरू हो जाता है। ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द कंटेंटिंग बुनियादी जड़ यही है, इख्तलाफ का जड़ यही है, मैं समझता हूँ। हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच असद न्याज फॉर ज्वाइनिंग अस और फॉर रेगुलर ज्वाइनिंग अस एंड रेगुलर आस्किंग क्वेश्चन। ओके जी, दानियाल शाह साहब आ चुके हैं। सर शकूर, क्या हम यूनी में स्टूडेंट यूनियन के लिए कोई सब और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते? बट मुकर्रर किया गया स्टूडेंट यूनियन टीम फंड से मेरिट पे होना चाहिए।
अच्छा जी, दानियाल शाह अगेन अ रेगुलर व्यूअर ऑफ आवर ट्रांसमिशन आस्किंग फ्रॉम सर शकूर के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हम कब तक करवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में? सर हमने फर्स्ट ईयर जो था हमने उस वक्त करवाया था, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन करवाए थे, बाकायदा मैंने आपको पता नुमाइंदगी दी थी उनको। तो अब तक जब तक देखें एक पॉलिसी होती है हमें ऊपर से जो मिलती है हम उसको फॉलोअप लेके चलते हैं। अगर ऊपर से हमें पॉलिसी मिलती है कि भाई आप ये यूनियन के इलेक्शन करवाओ, ये प्रोसेस आप जो लीड करें, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मैं तो इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद सारा प्रोसेस करवा दूंगा या नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद में करवा दूंगा, नो इशू। सही। अच्छा जी, एसएन आपकी तरफ आना चाहूंगा और मेरा आपसे सिर्फ सवाल ये कि आपने जैसे इंडिकेट किया कि टाइम जो है वो स्टूडेंट यूनियन का ड्राफ्ट बनाया गया पर्टिकुलरली सिंध की जामियात के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा स्टूडेंट यूनियन की मुकम्मल बहाली? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज? सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? इंडिकेट किया कि टाइम जो है वो ड्राफ्ट बनाया गया है बाकायदा तौर पे स्टूडेंट यूनियन की बहाली का, लेकिन स्टूडेंट यूनियन बदस्तूर जो है वो सिंध के अंदर अभी तक बहाल नहीं हुई। आपको क्या लगता है किस किस्म की मुश्किल हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं हो पाई? हेलो, क्वेश्चन नहीं आ पाया ऐसा ना आपकी तरफ? सर आपकी आवाज थोड़ी जो है ना बीच में लैग कर रही है, बहुत स्लो आवाज आ रही है। अच्छा चले, मैं शकूर साहब से रابطہ करने की कोशिश करता हूं। शकूर साहब आप मौजूद हैं? जी 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 सर, आपको सवाल जी, आपने सवाल सुन लिया मेरा? सवाल दोहराए सर जी। सवाल मेरा ये था कि आपने जस्ट लाइक सुना होगा कि दो दफा सिंध के अंदर बाकायदा तौर पे स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए ड्राफ्ट बनाया गया और उसका बिल भी पास किया गया, तो लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बदस्तूर सिंध की जामियात में स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं हो पाई। क्या वजूहत है जिसकी वजह से स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं हो पाई, क्या रुकावट? सर मैं समझता हूँ कि बिल पास हो चुका है लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ है। जब तक नोटिफाई नहीं होगा और हमें जो है ना सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफाई नहीं होगा, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि हम इस प्रोसेस को फर्दर कर सकते हैं। जैसे ही वो नोटिफिकेशन डिले टैक्टिस है बेसिकली, नोटिफाई हो जाएगा और हमें वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार ऑफिस से डाउन हो जाएगा तो हम ये प्रोसेस कर देंगे, हमारे लिए नो इशू। बेसिकली नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो ये डिले की वजूहत आपकी नजर में क्या हो सकती है? देखिए पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट जो है ना स्टूडेंट यूनियन की हिमायत में है और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन बने तमाम जामियात में, तो वो असेंबली से भी इस बिल को लेकर गए और वहाँ से ये इंडोर्स भी हो चुका है। अब वफाक की तरफ से शायद कुछ मामला हैं या कुछ और बिहाइंड द स्क्रीन कुछ मामला हैं, मैं नहीं समझता, मुझे कुछ इसका इल्म नहीं है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी से इसकी मुकम्मल हिमायत करती है कि स्टूडेंट यूनियन बहाल है, ठीक है ना, और वो अपने नुमाइंदा सेलेक्ट करें, उनको सिंडिकेट ले जाए, उनको जो जो उनकी नुमाइंदगी होगी, जो जो उनके मसले होंगे, बहुत से मसले होते हैं स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए एक नुमाइंदगी होना उनकी जरूरी है और उनको ये इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। अच्छा जी, एसन आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, मैंने वो फिर से आपका क्वेश्चन सुन लिया। मेरा सवाल ये कि कम्युनिटी सर्विसेज को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आपकी जामिया की एक अहम सोसाइटीज में से एक है, उस कम्युनिटी सर्विसेज में आपने अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट कर लिए और आपकी सोसाइटी किस तरह से काम कर? सर मैं कम्युनिटी सोशल सर्विसेज में अभी तक जो एक बहुत कम टाइम हुआ है हमारी सोसाइटी को बने हुए, कुछ दो से चार मंथ पहले ही रिफॉर्म हुई है, तो उसमें हमने एक बहुत बड़ा एक मतलब एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सिंपल इवेंट ये था कि हमने पूरे कराची में से जहाँ जहाँ तक हमारे रिसोर्सेज पहुँच सकते थे, तो जितने सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर्स हैं उनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर अपनी यूनिवर्सिटी में गैदर किया और उनको अप्रिशिएट किया, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, और उनके जो सोशल एक्टिविटी का एक लंबा सफ़र था जिसमें अंसार बरनी और लियारी के काफ़ी बहुत सारे नाम है, काफ़ी दीगर अफराद भी शामिल थे, उनको हमने एक अप्रिसिएशन टोकन दिया, एक एक्सपीरियंस एक अप्रिसिएशन दिया और लोगों को बताया कि हमारे लिए आज तक की सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर जो लोग शामिल थे वो ये थे, एक स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन था ताकि उनको और मज़ीद इन फ्यूचर ऐसे सोशल एक्टिविटी और सोशल प्लेटफॉर्म में आके काम करने के लिए उनकी एक अप्रिसिएशन के लिए हमने किया, एक बस सिर्फ एक ही इवेंट किया। और मज़ीद हमारे प्लान्स हैं कि हम जब इंशाल्लाह ताला लॉकडाउन खुल जाएगा तो SWO की मदद से अपने टीचर्स की मदद से एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक ऐसी प्लान के साथ आ रहे हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक्स, तब बहुत एक बड़ा इशू होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे काफ़ी किस्म के काफ़ी कैलिबर के काफ़ी बैकग्राउंड के लोग आते हैं तब और उनके काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, तो बाज़ अवकात ऐसा होता है मेरी क्लास के कुछ लोगों के पास बुक्स खरीदने तक की फैसिलिटीज़ नहीं थी
तो एक हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम उनको बुक्स प्रोवाइड कर सकें जो हमारे पास आउट और जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने वो कोर्स पढ़ लिए हैं और उनके अब वो बुक्स किसी काम की नहीं होती, कॉमनली रख देते हैं, तो वो बुक्स हम लेके उनको इसी तरीके से यूटिलाइज करके पूरी यूनिवर्सिटी में जो जो नीडेड पर्सन है उनको बुक दे सकते हैं। आपके पास अभी कितनी बड़ी टीम मौजूद है, कितने अफराद इसमें मौजूद है? सर बेसिकली हमारी सोसाइटी में 10 से 15 लोगों की एक कोर टीम है और उसके अलावा मेंबर्स हैं तकरीबन 30 और उसमें एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और एक उसका जनरल सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर है और ये अभी पूरा एक क्या कहते हैं अपना प्लेटफॉर्म एक पूरा एक एजेंडा है जिसमें हमें काम करना है। सर शकूर ने हमको आगे लॉकडाउन के बाद प्रॉमिस किया और इंशाल्लाह ताला वो करेंगे, पूरी सोसाइटी को न्यूली इलेक्टेड करना, उनको इलेक्टेड बॉडीज बनाना और मुकर्रा जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक साफ और शफाफ क्लीन एक इलेक्शन करने के बाद हम उस सोसाइटी को आगे लेके चलेंगे। तो बड़े शॉर्ट टाइम पे हुआ, बीच में लॉकडाउन आ गया तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी हमारी चीज़ें रुक गई हैं। और सर मैं अब पिछले क्वेश्चन पे आना चाहूँगा जो मैं सर सही से सुन नहीं सका, तो सर शकूर को जब आप रिकॉल कर रहे थे तो वो मैं सुन लिया था। सर वो आप सर में आए? जी। सर वो क्वेश्चन ये था आपका कि क्यों इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सर अकॉर्डिंग टू मेरे नजरिए से जहां तक मैंने देखा तो मैं समझता हूँ एक इंडिपेंडेंटली और बहुत ही फ्रेंकली फ्लुएंटली बात करता हूँ कि ये स्टेट ही नहीं चाहता कि एक पढ़ा लिखा इंसान आके सनतों में पार्लियामेंट में बैठ सके और मुल्क की रहनुमाई कर सके। अपार्ट ऑफ इट स्टूडेंट यूनियन अगर इस एक वजह से पॉलिटिक्स की वजह से खराब है, एक इसके का एक इसका एक बैड इसका एक खराब परसेप्शन यूनिवर्सिटी में और माशरे में बन चुका है। अपार्ट ऑफ इट यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी तंजीम बना, एक ऐसी स्टूडेंट यूनियन या यूनियन को हटा के हम स्टूडेंट के यूनियन को नाम को चेंज करके स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी या स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो बिल्कुल विदाउट पॉलिटिकल हो, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस तक वो तंजीम उस वो स्टूडेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करे जो अपने ज़ाती मसलों पे करे। पॉलिटिक्स की वजह से अगर स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं हो रही है तो हम स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमको पॉलिटिक्स हम यहाँ से पढ़ के यहाँ से जो छोटी छोटी कोर स्किल्स होती हैं कोर चीज़ें होती हैं उनको अडॉप्ट करके सीख के जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं उनको सीखने के बाद हम प्रेमिसेस के बाद जब पास आउट होंगे तब हम जाके पॉलिटिक्स करने का हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट से आप स्टूडेंट यूनियन पे बैंड लगाएंगे और स्टूडेंट यूनियन के हवाले से कोई सी किस्म की काम करने की हमको इजाज़त नहीं देंगे तो सर इस तरीके से तो कोई एक ह्यूमन कैपिटल जो एक कहा जाता है कि एक परफेक्ट ह्यूमन कैपिटल तो क्रिएट होगा ही नहीं। हमें नहीं करनी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हम यूनिवर्सिटी के बाहर कर लेंगे लेकिन हमें इजाजत दी जाए कि हम एक यूनियन एक वेलफेयर बना सके जिसमें कोई किसी किस्म की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, हम अपने मसलों पे अपनी चीज़ों पे खुद गौर फिक्र करें। और जहां तक बात रही कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के साथ रहने की, तो देखिए सर उनकी सुपरविजन के साथ उनके अंडर ही हम सब काम करेंगे। सर शकूर की बात ये कि सोसाइटीज अलग है, बिल्कुल सोसाइटीज बिल्कुल अलग है, सोसाइटीज की एक अलग जगह है, मैं उनकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। सोसाइटीज एक अलग जगह, सोसाइटीज में एक प्रोमिनेंट एक पर्टिकुलर टास्क है जिसको हमको फॉलो करना है लेकिन पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हमारे वास्ते हमारे लीडरशिप स्किल्स हमारी डिबेट हमारी पब्लिक स्पीकिंग इन सबको एनहेंस होने का एक चांस है और जो वक्त ब वक्त चेंज होती जाती है। हम 4 साल के सर स्टूडेंट्स हैं, हम पूरी 4 साल तक इस यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हम फॉर एवर इस यूनिवर्सिटी में नहीं रहना चाहते ना रहेंगे लेकिन जो 4 साल का मरला होता है उस वक्त हमको जो हमारे बेसिक हमारे हक हकूक हैं हमको वो दिए जाए। सर ये एक किस्म का मेरा मुतालबा भी है, इस शो के जरिए मैं एक मुतालबा भी कर रहा हूँ कि क्या पता कोई सुपीरियर सुन ले और आप लोगों से भी मेरी बड़ी एक दरख्वास्त है कि इस चीज़ पे एक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हमारे नुमाइंदे आप लोग हैं सर, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव कोर ऊपर के आप लोग हैं, आप लोग हमारी जो है इस बात को आगे पॉसिबल अगर जा सके या जाती है तो वेल एंड गुड। हमें नहीं करनी पॉलिटिक्स, हमें सिंपली एक यूनियन बना के दो हम उसमें काम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स हम यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के बाद 4 साल बाद ग्रेजुएशन करने के बाद भी कर लेंगे। जी सर ओके जी, बहुत पॉजिटिव थॉट बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपने अपने इसमें दी और इंशाल्लाह जो आपने रिक्वेस्ट भी की है तो डेफिनेटली हुकामे वाला और उसकी तरफ कोई ना कोई नजरसानी भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी शकूर साहब गुड वन एसएन राशिद बिस्ट्रो हमारे एमबीए के स्टूडेंट हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। और शकूर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये बताइए कि शकूर साहब फाइनली जो फाइनल कमेंट से क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ है, ऑलमोस्ट हमारा टाइम क्लोजिंग है, डॉक्टर साहब भी अभी रबते में है, इनशाला डॉक्टर साहब भी अभी चंद समय में ज्वाइन कर लेंगे हमें,
जो आज का ये पूरा शो था, इसका मकसद हमारा स्टूडेंट यूनियन के खतोखाल को डिफाइन करना था और उसकी पावर और उसकी बहुत सारे मेरिट्स को डीमेरिट्स को डिस्कस करना। शकूर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि स्टूडेंट सोसाइटीज जो हैं, अगर वो ही बेहतर और मुस्बत अंदाज से काम कर लें और स्टूडेंट सोसाइटीज आपके जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लें, क्योंकि स्टूडेंट सोसाइटीज जो हैं वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू बन रही है, स्टूडेंट सोसाइटीज भी जो है वो टारगेटेड है, अगर वो अपनी स्किल्स को बिल्टअप कर लेते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट यूनियन? मैं, मेरी प्लानिंग भी इसी तरह की है कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट जो सोसाइटीज हैं इनमें इलेक्शन करने के बाद इनके जो नुमाइंदे आएंगे, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजर भी होंगे, मैं समझता हूँ कि इनके दरमियान से मैं इलेक्शन करा के इनके अंदर से एक लीडर को, यूनियन लीडर का भी मैं उसको खिताब दूंगा कि वो सारे सोसाइटीज को भी रिप्रेजेंट करेगा, वो सारे स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो वो मैं समझता हूँ इस जाविये से बनाकर हम उसको लेके जाए आगे, क्योंकि हमें सियासत करनी नहीं है वहाँ पर बेसिकली, और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा जाए जो इनके मौकिफ को समझे, वो सारे सोसाइटीज के लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, वो सारे मसाले उसको बता दें कि हमारे साथ ये मसाले, तो वो बंदा जो होगा वो ऑटोमेटिकली मतलब एक जमहूरी अमल के तरीके से, डेमोक्रेसी के तरीके से आएगा, तो वो आगे जाके बात भी कर सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि यही तरीकेकार मेरे प्लान में है और मैं इंशाल्लाह ताला इस प्लान को आगे लेके चलूंगा लॉकडाउन के बाद, और देखते हैं कि हमारी प्लानिंग कोई चीजें हैं इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच असदुल्ला खान लाशारी, ग्रेट टॉक्स डॉक्टर साहब एंड शकूर साहब, रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू, ग्रेट सेशन असदुल्ला सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बस हम क्लोजिंग की तरफ हैं और क्योंकि टाइम निकल गया और शायद डॉक्टर साहब के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आया है जिसकी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह से आज फुरमख्त गुफ्तगू फरमाई है और जिस तरीके के थॉट्स दिए, आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मार्केटिंग सोसाइटी नेटवर्क बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी की जानिब से डॉक्टर असगर दश्ती साहब का कि उन्होंने टाइम निकाला और हमसे बात की, और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर, साथ में अपने स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर डिग्री अब्दुल शकूर साहब का आपका बहुत शुक्रिया कि आप अवेलेबल रहते हैं माशाल्लाह से, और मुझे पता है कि रमजान में आपकी काफ़ी सारी मसरूफियात रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने टाइम को 11 से 12 इस शो के लिए फिक्स किया है जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह एहसन, आपने बहुत पॉजिटिव थॉट्स पे डिस्कशन किया, बहुत पॉजिटिव बात की, और यही एनर्जी जो यूथ के अंदर नजर आती है, यंग स्टूडेंट्स के नजर आती है, यही जामिया के लिए बहुत और मुस्बत जज्बा होता है जो जामिया के लिए भी अच्छा होता है और इवन माशरे। दानियाल शाह साहब लिखते हैं, थैंक्स अ लॉट सर शकूर डॉक्टर असगर एहसन, बिकॉज़ विदाउट यू इट कैन बी पॉसिबल। We are just trying to disseminate information during COVID-19 के मैक्सिमम लोगों तक अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर मालूमात और डिस्कशन पहुंचे, और आप इस पूरे टाइम को जो है वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ गुजारें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आप तमाम अफराद का जो जो हमारी ट्रांसमिशन देख रहे थे उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कल एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह शामिल गुफ्तगु होंगे, और कल हमारे साथ मजीद न्यू मेहमान होंगे, और इंशाल्लाह हम स्टूडेंट सोसाइटीज का जो ये सफर है इसको अभी हम जारी रखेंगे जब तक हमारे साथ सारी हमारी स्टूडेंट सोसाइटी एक्सप्लोर ना हो। आज हम टोटल अपनी 4 स्टूडेंट सोसाइटीज को एक्सप्लोर करने में कामयाब हो चुके हैं, मजीद हमारे पास 3 स्टूडेंट सोसाइटीज बाकी हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको भी बहुत जल्द से जल्द कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच तमाम पैनलिस्ट का और तमाम व्यूअर्स का, अपना ख्याल रखिएगा।